आखिरकार शहनाज की शादी होने वाली है। मुझसे शादी करोगे का जो प्रोमो है आप सभी ने कल देख लिया। बहुत समय से दावा किया जा रहा था कि शहनाज जो है इस तरह का शो नहीं करेगी। उनके पिता ने बोला, भाई ने बोला कि वो ये शो नहीं करने वाली है। हालांकि फिल्म विंडो जो है आपको लगातार ये बात बता रहा था कि अगर घर के अंदर किसी की शादी हो रही है तो वो है शहनाज, वही जो है वो शो करने वाली है। और कल ये बात कन्फर्म हो गई जो फिल्म विंडो ने आपको पहले दिन से बताई है। मैंने आपको एक खबर दी थी, उसके अगले दिन ही जो है वीकेंड के बारे में सलमान खान ने इस बात को अनाउंस किया था कि घर के अंदर जो है किसी की शादी होने वाली है। तो हमें जो है बहुत पहले ही पता चल गया था कि सना ने इस तरह के शो के लिए जो है हाँ बोली है। और मैं आपको बताती हूँ कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल उनको ये शो ऑफर हुआ, उन्होंने जो बोला वो पैसों को लेकर जो है बात अटकी हुई थी। उनके पिता से और भाई से बात हुई, उनके भाई शो का हिस्सा बनने आए और उसके बाद जो है उनके भाई ने ये सारी डील की थी कि कितना पैसा लेंगे, क्या होगा और किस तरह से शो रहेगा। शो के फॉर्मेट में जो है चेंजेस किए गए, जो इस बात का दावा उनके परिवार वाले कर रहे हैं कि उसकी शादी नहीं होगी, वो स्वयंवर जैसा शो नहीं है। ये दावे बिल्कुल सही है क्योंकि शो का फॉर्मेट अलग है, स्वयंवर नहीं है, शादी नहीं होने वाली है उसकी। 7 लड़के आने वाले हैं और वो उनमें से जो है वो एक को सिलेक्ट करेंगी जो एलिजिबल परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल होगा। उसका जो है पूरा प्रोसीजर रहेगा, हर हफ्ते नए नए सेलिब्रिटीज आएंगे, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप देखते हैं नए नए टास्क दिए जाएंगे और उन टास्क को लेकर जो है वो 7 कंटेस्टेंट है आपस में लड़ते रहेंगे, कोई बाहर निकलेगा, ऐसे कर करके एक 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 बाहर निकलते जाएंगे। तो अब जब कल ये शो अनाउंस हो गया, फिनाले करीब है, वोटिंग पर इस शो के प्रोमो का इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा, सना के फैंस ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप उसके फैंस हैं इसीलिए हैं क्योंकि वो आपको एंटरटेन करती है। अगर वो एंटरटेनमेंट के लिए एक और शो कर रही है तो मुझे उसमें बुराई नहीं लगती। शहनाज के जो फैंस हैं उनको लगता है कि सिद्धार्थ और शहनाज ने साथ में रहना चाहिए था, घर के अंदर घर के बाहर। तो ये बात जो है वो बार बार बोल चुके हैं कि वो दोस्ती से बढ़कर जो भी अगर होगा तो घर के बाहर आकर, आपने देखा होगा आपकी अदालत में उन लोगों ने ये बातें की थी। लेकिन अब जो है उनके भाई का क्या कहना है, कल जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अपना पूरा बयान जो है लाइव किया है, उसके जो मेन पॉइंटर्स है क्योंकि बहुत बड़ा है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंटर्स बताऊँ। उन्होंने बोला कि ऑफर दी थी, टेंशन मत लो, शहनाज को जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो ये शो नहीं करेंगे, उसने एक्सेप्ट कर लिया है घर के अंदर। हमें पता ही नहीं था, इनको पता, हमें पता नहीं था कि शहनाज इस तरह का कोई शो कर लेगी। हम मुंबई आ चुके हैं, हम शहनाज को समझाएंगे, हमारी मीटिंग होगी, हम उसको बताएंगे कि लोगों का कितना प्यार है तुम्हें, तुम इस तरह का मत करो। फिर वो कहते हैं कि अगर ये शो होगा भी तो शादी रियल नहीं होगी, हमने सब कुछ पता करा लिया है शो का फॉर्मेट कि शादी रियल नहीं होने वाली है, फेक शादी होने वाली है और जो है इसलिए इस शो का जो फॉर्मेट है वो फेक शादी वाला फॉर्मेट है, ऐसा उनके भाई का कहना है। शहनाज को बाहर आने के बाद हम सब समझाएंगे, कैसे बताऊँ उस घर में, वो कहते हैं कि कैसे बताऊँ उस घर में जब हम रहकर आए हैं ना, तो वो जो घर के अंदर हम जाते हैं ना तो वो अपनी रूलिंग करने लग जाते हैं बिग बॉस वाले, वो वैसा ही दिखाना चाहते हैं जैसा वो दिखाना, वो चाहते हैं कि हम दुनिया को जो है वैसा ही दिखाएं जैसे ये दिखाना चाहते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि ये जो है लेकिन प्यार में होता है, हम उनके प्यार में इतना पड़ जाते हैं। और शहनाज को भी बिग बॉस के घर से इतना प्यार है कि वो जो है मना ही नहीं कर पाई कि उनको क्या, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तय नहीं कर पाई। ऐसा शहबाज का कहना है कि उनको उस घर के अंदर इतना प्यार मिला है कि वो मना नहीं कर पाई। ये बात सही है कि शहनाज हमेशा बोलती है कि मुझे इस घर में बहुत प्यार मिला है, मुझे जो है जो भी है बिग बॉस ने बनाया। ये मैं भी मानती हूँ कि शहनाज को बिग बॉस से पहले कोई नहीं जानता था, आप सभी ने जो है उसको बिग बॉस में देखा, उसको प्यार दिया, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक और शो कर रही है, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। आपका वोट करना नहीं करना ये आपका कॉल है, ये मुझे लगता है कि एक एंटरटेनर ने हमेशा एंटरटेनर की तरह परफॉर्म करना चाहिए, वो एंटरटेनर है इसलिए आपको एंटरटेन करती रहेगी। माध्यम कोई भी हो सकता है, शो किसी भी तरह का हो सकता है, उनका अपना पर्सनल कॉल है। वो कहते हैं उसके भाई कि मुझे पता है इमेज खराब हो रही है, आप नाराज मत हो, कल परसों फिनाले है, मैं शहनाज से बोलूंगा कि इस तरह के शो में शामिल ना हो, बिग बॉस की वजह से शहनाज को जनता ने प्यार दिया है, आगे भी करते रहिए, अपनी वोटिंग लाइन को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए, ऐसा उनके भाई बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो शहनाज को पसंद नहीं करते हो इस तरह की अफवाह ज़रूर उड़ाएंगे कि शहनाज देखो ऐसा शो कर रही है, कैसी क्या है कैसी है, तो आप उनकी बातों पे मत आइए, उसको वोट कीजिए। पर एक बात तो साफ है कि जिन चीज़ों को सभी डिनाई करते रहे वो चीज़ जो है वो वाकई में सही है, शहनाज शादी कर रही है, शादी का शो कर रही है मुझसे शादी करोगे करके, और उसमें जो है 7 कंटेस्टेंट रहेंगे, 3 से 3.5 महीने ये शो चलेगा, इसी घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर ही शूट होने वाला है, उसी के अंदर थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करके जो है सेट किया जाएगा पूरा नया का नया,
और जो है पारस को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि उनका भी जो है शो लॉन्च होगा इसी के साथ। पर यहाँ जो दूसरा कंटेस्टेंट है उसके साथ शहनाज की शादी नहीं हो रही है, पारस और शहनाज की शादी नहीं होगी। दोनों जो है अपने अपने लिए एलिजिबल बैचलर है ये दोनों, और अपने लिए परफेक्ट जो है लाइफ पार्टनर चुनेंगे कि कैसा होना चाहिए, क्या किस तरह का होना चाहिए परफेक्ट, तो उस तरह की लाइन पर ये शो बना है। तो ये पूरा जो है बयान उनके परिवार की तरफ से आया है। तो आपको क्या लगता है, शहनाज के फैन, शहनाज के फैन, अगर जिसने आपको इतना एंटरटेन किया है, अगर वो आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ और नया करना चाह रही है, तो आपको क्यों लगता है कि वो आपको वो जो है नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, आपकी जो थॉट है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।